वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर, दिस इज मिरिचा, योर लीगल मेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बात इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, जो कि हमारे पिछले वीडियो में हमने जो केस किया था उससे वो लिंक करता है। क्यों लिंक करता है? क्योंकि भाटिया इंटरनेशनल जो केस था उसको ओवर रूल करते हुए ये केस आया, और ये जो केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आर्बिट्रेशन में। जो जुडिशरी ने मूव लिया है, एक इम्पॉर्टेंट मूव या फिर बोल सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन जो किया है उसके लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं कि वो कौन सा केस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको जो ये जो केस है भाटिया इंटरनेशनल वो पूरे सीक्वेंस में डील किया है। तो आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगी कि आखिरकार उसमें हेल्प क्या हुआ था, सो दैट कि आप इस केस को लिंक कर पाए उससे। ओके, तो देखिए क्या हुआ था कि भाटिया इंटरनेशनल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्प किया था कि जो पार्ट वन के प्रोविजन्स हैं, ठीक है, जो पार्ट वन के प्रोविजन्स है वो कहाँ पे अप्लाई होंगे, वो हमारे जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होंगे जो कि विद इन इंडिया होंगे, और जो कि फॉरेन आर्बिट्रेशन होंगे मतलब आउटसाइड द ऑफ इंडिया, उस पे भी पार्ट वन जो है उसके प्रोविजन्स क्या होगा वो अप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन अगर पार्टीज जो है वो किसी भी प्रोविजन के को पूरी तरीके से या आधी तरीके से वो क्या करना चाहते हैं, एक्सक्लूड करना चाहते हैं एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, तो वो नहीं होगा। अदरवाइज ये जो पार्ट वन है उसके प्रोविजन्स क्या होंगे, वो आपके विद इन इंडिया दैट इज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, और आउटसाइड ऑफ द इंडिया दैट इज फॉरेन आर्बिट्रेशन, उस पर वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो इसी को ओवर रूल करते हुए केस आया भारत एल्यूमिनियम कंपनी वर्सेस केसर टेक्निकल सर्विसेज 2012 में ये केस आया, ठीक है। तो चलिए पहले फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या आखिर स्टोरी क्या है इसकी। तो एक एग्रीमेंट जो था वो बनाया गया, साइन किया गया 22 अप्रैल 1993 में, ठीक है, बाल्को दैट इज भारत एल्यूमिनियम कंपनी जो है इसको हम बाल्को कहते हैं, एंड केसर, ठीक है, केसर जो टेक्निकल जो केसर टेक्निकल सर्विसेज है उसको, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो इसमें क्या हुआ, इट वॉज स्टेटेड दैट द केसर हैज टू सप्लाई एंड इंस्टॉल अ कंप्यूटर एट द बाल्कोस प्रिमाइसेस। अब ये जो बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी है उसके प्रिमाइसेस में जो केसर टेक्निकल सर्विसेज है उनको क्या करना है, कंप्यूटर इंस्टॉल करना है, ठीक है, या फिर ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके मॉडिफिकेशन के लिए क्या है वो बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है, इनको क्या करना था, कंप्यूटर इंस्टॉल करना था उनके प्रिमाइसेस में, इतना क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट ये बताते हैं, अकॉर्डिंग टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, अब दोनों के बीच में एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी हुआ था, ठीक है, उन्होंने ये उसमें ये किया था, एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट अराइजेस, अगर ऐसा होता है तो प्रोसीडिंग विल बी हेल्ड इन द लंडन अंडर इंग्लिश लॉ, ठीक है। तो लंडन में, इंग्लैंड में ये जो जो भी इनका जो डिस्प्यूट होगा वो अगर अराइज होता है तो प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, इंग्लिश लॉ के अंडर वो गवर्न करी जाएंगी, ये उन्होंने अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में पूरा स्पेसिफाई किया हुआ था, ठीक है। फर्दर द एग्रीमेंट सेज दैट गवर्निंग लॉ अंडर द एग्रीमेंट विल बी इंडियन लॉ, गवर्निंग लॉ होगा इंडियन लॉ, मतलब सुपरवाइजरी जो लॉ होगा वो इंडियन लॉ होगा, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स जो होंगी वो किसके अंडर में होंगी, वो जो इंग्लिश लॉ है उसके अंडर में उनकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी, ठीक है। बट द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स विल स्टिल बी हेल्ड अंडर इंग्लिश लॉ, ठीक है, इंग्लिश जो लॉ है वो आर्बिट्रेशन जो प्रोसीडिंग्स है उन्हीं के अंडर में गवर्न की जाएंगी, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद, ये उन्होंने अपने एग्रीमेंट में मेंशन किया था, तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है, तो ये रिफर करते हैं द आर्बिट्रेशन इन इंग्लैंड, ठीक है, क्योंकि वहां पे उन्होंने मेंशन किया होता कि कुछ भी अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम कहां आर्बिट्रेशन अपनी प्रोसीडिंग्स करवाएंगे, इंग्लैंड में, दैट इज इंग्लिश लॉ के अंडर गवर्न करवाएंगे, ठीक है। द ट्रिब्यूनल्स हैज पास टू अवार्ड्स विच सॉट टू बी कॉल्ड चैलेंज्ड, विच चैलेंज्ड इन इंडिया अंडर सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट। 34 क्या बोलता है, हमारा जो आर्बिट्रेशन एंड कमर्शियल जो कंसिलिएशन एक्ट है उसका, सेटिंग असाइड ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि इंग्लिश लॉ के अंडर में जब इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में वो सूट फाइल, मतलब वहां पे आर्बिट्रेशन को रेफर किया आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में, उसके बाद डिसीजन आया, दो अवार्ड पास करे गए, ठीक है, इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में जो प्रोसीडिंग हुई उनके आर्बिट्रेटर्स के द्वारा दो अवार्ड पास किए गए, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया में जो
बालको हैं उनको ये चीज सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी, तो उन्होंने इसको क्या किया, चैलेंज कर दिया उनके अवार्ड को। और अवार्ड कौन से सेक्शन में चैलेंज किया सेटिसाइड कर सकते हैं, वो सेटिसाइड कर सकते हैं अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन जो एक्ट है 1996 का, उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, सेटिसाइड कर सकते हैं। तो इन्होंने चैलेंज कर दिया उस अवार्ड को, ठीक है, जो कि फॉल करता है अंडर पार्ट वन, ठीक है। इन द लोअर कोर्ट एंड आफ्टर रिजेक्टेड अपील्स इन द हायर कोर्ट द पिटिशन हैज अपील टू द सुप्रीम, ठीक है। लोअर कोर्ट में इन्होंने ये अपील किया, मतलब अपना जो चैलेंज था वो लेके गए, ठीक है। उसके बाद हायर कोर्ट में भी लेके गए तो वहां पे भी इनका अपील जो है वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन फिर ये क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपने इस अपील को लेके जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया अपने मोटी मोटी फैक्ट्स, ठीक है, स्टोरी पता चल गई कि आखिरकार इस केस में क्या हुआ था। बढ़ते आगे, इश्यूज अरेस्ट हुए, ठीक है। इश्यूज क्या अरेस्ट हुए, पहला इशू था जजमेंट शाल बी एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली अंडर द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो उनका मानना था कि क्या ये जो जजमेंट है वो एप्लीकेबल होगा प्रोस्पेक्टिवली, मतलब फ्यूचर में भी कोई अगर डिसीजन जजमेंट आता है, ठीक है, नियर फ्यूचर में भी, तो क्या वो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। द सिचुएशन हैज बीन कॉन्टेम्पलेटेड एंड वेदर द पार्टीज हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन और नॉट, क्या पार्टीज जो है उनको पर्टिकुलर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। And after some proceedings conducted in other territories as may be convenient to all or not, क्या जो दूसरे territory में जो proceedings जो चल रही हैं क्या वो सबके लिए convenient है या नहीं है, ये भी issue जो था वो rise हुआ, ठीक है। No interim relief under section 9 of the act has been provided, जो India में थे, ठीक है, उनको कोई भी interim जो relief था वो नहीं मिला, ठीक है। Whether the court ट्रिब्यूनल कोर्ट ट्रिब्यूनल्स आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन इंडिया, क्या कोर्ट के जो ट्रिब्यूनल्स है वो इन्फोर्सिएबल इंडिया में नहीं है। एंड इफ द फॉरेन रेमेडीज भी एप्लीकेबल, क्या फॉरेन रेमेडीज जो है वो एप्लीकेबल होंगी या नहीं होंगी। तो ये कुछ इश्यूज जो थे वो अराइज हुए इस केस में, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए जजमेंट में क्या कोर्ट ने हेल्प किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये जो पार्ट वन है जो कि भारतीय इंटरनेशनल में हमने क्या देखा था कि पार्ट वन जो है उसके प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल होंगे जो कि सीट अगर आउटसाइड ऑफ द इंडिया होती है और या फिर इनसाइड ऑफ द इंडिया होगी, ठीक है, तो भी वो एप्लीकेबल होंगे जो वो प्रोविजंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सीट समझ लेते हैं और लोकेशन समझ लेते हैं, मतलब वेन्यू। सीट का मतलब क्या होता है, सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, सीट का मतलब होता है कि जहां पे सूट ऑफ द प्रोसीडिंग्स या फिर सूट ऑफ द आर्बिट्रेशन फाइल किया हुआ है, ठीक है। तो सूट जहां पे फाइल किया हुआ है वहां पे हम बोलेंगे उसको सीट। और वेन्यू का मतलब क्या होता है, वेन्यू का मतलब होता है लोकेशन, ठीक है, जो जोग्राफिकल लोकेशन होते हैं उसको हम कहते हैं वेन्यू। इतना क्लियर हो गया। तो इस केस में कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो पार्ट वन है, ठीक है, वो जो एप्लीकेबल था भारतीय इंटरनेशनल केस में कि सारे भारत के बाहर भी जो आर्बिट्रेशन हो रहा है उस पर भी एप्लीकेबल होंगे और भारत के इंडिया अंदर भी जो हो रहा है आर्बिट्रेशन उसमें भी एप्लीकेबल होंगे। बट इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, ठीक है, जो इंडियन कोर्ट्स हैं उनके पास इतनी नहीं पावर है कि जो बाहर में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो एप्लीकेबल होंगे। तो इसलिए कोर्ट है रूल दैट पार्ट वन ऑफ द लॉ डज नॉट अप्लाई टू इंस्टेंसेस इन विच द आर्बिट्रेशन ऑकर्स आउटसाइड ऑफ द इंडिया, इट विल ओनली बी अप्लाई टू द आर्बिट्रेशन इन विच द इंडिया इज द सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन। अगर जो सूट ऑफ द आर्बिट्रेशन है वो अगर इंडिया में किया गया है, मतलब इंडिया में अगर फाइल की गई है सूट, तो वो जो होगा पार्ट वन जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आउटसाइड ऑफ द इंडिया में अगर मतलब सूट ऑफ द आर्बिट्रेशन है तो उसपे जो पार्ट वन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि भारतीय इंटरनेशनल केस किस तरीके से ओवर रूल जो है वो इस केस जो हमारा ये भारत जो एल्यूमिनियम भारत एल्यूमिनियम जो केस है किस तरीके से भारतीय इंटरनेशनल को क्या किया ओवर राइट कर दिया है, ठीक है।
द कोर्ट कंक्लूडेड दैट द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कुड ओनली बी गवर्न बाय द इंग्लिश लॉ. तो इस वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में मेंशन ही किया था स्पेसिफिकली कि जो प्रोसीडिंग्स होंगे वो अंडर इंग्लिश लॉ वो गवर्न किए जाएंगे, इसीलिए तो इसमें क्या किया गया, जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है कुड ओनली बी गवर्न बाय इंग्लिश लॉ. ठीक है. In the lights of this, the court likewise dismissed the section 34 applications while upholding the High Court's ruling. इसमें क्या होगा, जो section 34 जो setting aside of the arbitral award जिसमें उन्होंने challenge किया था कि इस award को set aside करिए, तो उसको जो Supreme Court होती है वो dismiss कर देती है. ठीक है. I hope कि आपको ये जो case है पूरी तरीके से clear हो गया होगा, और अगर clear हो गया होगा तो please एक thumbs up जरूर दें. Thank you so much for listening today's lecture. मिलते हैं हम अपनी अगली class में. Till then, bye bye. Take care.